हमारा मार्गदर्शन करें। आपने देखा होगा कि जितने भी विशाल कार्यक्रम पुलिस लाइन में होते हैं या प्रशासनिक कोई भी बड़ा कार्यक्रम असलम उस्मानी साहब करते हैं, मेरा अनुरोध कि कृपया तालियों के साथ आपका स्वागत करें असलम उस्मानी साहब। जिलाध्यक्ष मनोज टंडन जी, स्टेज पर तशरीफ फरमा इस व्यापारी सुरक्षा फोरम की खूबसूरती को बढ़ाते हुए मोर्चा फोरम के वो साथी जो बड़ी दूर दूर से अपनी इकाइयों के साथ यहां पर तशरीफ लाए हैं। अभी आपको याद होगा कि हसनपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत शानदार प्रोग्राम था, बड़ा आइडियल प्रोग्राम था। के साथ आगे बढ़ते रहिए। मनोज टंडन जी से हमेशा एक्टिव रहते हैं और जब घर के पास जब खत्री मनोज टंडन जी का फोन जाता है और उनसे ये कहा जाए नौगावा सादा की वो बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, बड़ी खुशी होती है कि नौगावा के लोग अच्छे इंसान होने के क्योंकि मैं बार बार सुन रहा हूं और मुझे बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है कि जिले के और जांबाज पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है जो अधिकारियों की आंखों में आके डाल के बात करते हैं, व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देते। मैं उनसे बड़ी आदमी से नौगावा की समस्याओं को अपने दामन में वीरतीकरण के सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना देता है, जिससे के स्टेट गवर्नमेंट हो या जनपद स्तर हो उसके लिए देता है। लेकिन अफसोस जनपद की सुविधाओं से हम वंचित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मुशक्कत कर रहे हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी जाबाज और जिलेकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि नौगावा सादात की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक छोटे बच्चे की तरह इसको दुलार देना, इनके उत्पीड़न से बचाना। नौगावा का अगर विकास होगा तो जनपद का होगा और जनपद की जो जिला कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, वो यकीनन मजबूत होंगे। मैं बहुत ये बात मुझे कहने की मुनासिबत तो नहीं है लेकिन मैं रोक नहीं सकता, नौगावा सादात की नगर इकाई अध्यक्ष महोदय के साथ तन मन धन से तैयार है। कभी भी किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है तो मैं फखर के साथ कह सकता हूं कि नौगावा इकाई संपूर्ण जनपद की इकाइयों से पहले खड़ी हुई नजर आएगी। हादसा हमारे साथ हुआ, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने और जिले के पदाधिकारियों ने रात के 2 बजे तक हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमारी समस्याओं का निदान किया था। जो करोड़ों अरबों रुपए थे बात जा सकती थी वो यहाँ श्री मांग में किया। मैं उनको जिंदाबाद कहना चाहता हूँ और ये अपने दिल से दुआ देना चाहता हूँ।